के बरेली में स्वास्थ्य जांच करने गई आशा कार्यकर्ताओं पर एक समुदाय ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक उन लोगों ने आशा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की और उनका मोबाइल छीन लिया। सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। बार बार देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर और पुलिस बल पर हमला किया जा रहा है। इन जमाती के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा किसी भी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर हमला ना कर सके। हम बताने को मना कर दिया था कि हम नहीं बताएंगे, हार्डी फ्लू हुआ तब मैं आ गई। फिर मैंने भैया को समझाया, भैया बोले कि हाँ मैं ठीक है, आप मेरे परिवार की जिम्मेदारी लीजिए, नाम पता है बता दो। उन्होंने मुझे नाम पता बताया। मैंने पूछा कि हमें किसी परिवार को सर्दी जुकाम बुखार तो नहीं है या कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है? भैया बोले नहीं। फिर सबका नाम नोट किया, नाम को नोट करते ही मैं इधर से निकल रही थी तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे जिन्होंने मेरे साथ हुआ और रजिस्टर पर फोटो खींचे थे, तो एक ड्रोन से खींची गई। फिर रजिस्टर में पता नहीं क्या प्लान से कर रहे थे, एक नाम उसमें ढूंढ रहे थे, कोई बाबू नाम वो ढूंढ रहे थे बाबू को। फिर उसके बाद जैसे जैसे हाइपर होने लगे तो मुझे घबराहट होने लगी। मैंने जैसे जैसे रजिस्टर समझाया, फिर भी बहुत कुछ पूछा, मैंने बताया कि मेरी यहाँ पोस्टिंग है, यहाँ से आई हूँ और इस तरीके से। फिर बोले कि ये जो ऑफिस बनाया है इसके बारे में पूछ रहे थे। बताया, बताने के बाद फिर जैसे तैसे घबराई हुई थी, आधा अधूरा इंटरव्यू दिया मैंने। फिर मैं इसके बाद सर ने समझाया, इन भैया ने भी सब। आशा कार्यकर्ता का बयान सुना आपने, किस तरह से उन्हें धमकाया गया और यह कहा गया कि आप जांच ना करें और वापस लौट जाएं। मध्य प्रदेश के रतलाम में मस्जिद में पढ़ी गई नमाज, लॉकडाउन का किया गया उल्लंघन, पुलिस कर्मियों के पहुंचने पर उन्होंने बाहर निकलने को कहा पर वो मानने से किए इनकार। पुलिस ने खातिरदारी की, लॉकडाउन के उल्लंघन में उन्हें गिरफ्तार किया। क्या नमाज घर में पढ़ी नहीं जा सकती? सरकार के कई बार समझाने के बावजूद भी, निर्देश देने के बाद भी यह मानने को तैयार नहीं है जमात। अगर इनमें से कोई भी एक भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होगा तो सभी को संक्रमित कर सकता है, अपने समाज को भी संक्रमित कर सकता है। सरकार के दिए गए नियमों का पालन ना करना और उसकी उल्लंघन करना बुद्धिमानता नहीं बल्कि बुजदिली है, मूर्खता है। यह जमाती लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये खुद को संक्रमित करेंगे कोरोना से और अपने पूरे परिवार को भी करेंगे। आखिर ये जमाती चाहते क्या है? जानने के लिए देखते रहिए M19 TV न्यूज़।